पी ए अगर फ़र्ज़ करेंगे आपकी डेंड्रफ है और आपके पास अब शैम्पू भी नहीं है आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है तो एसप्रीन बहुत कॉमनली डिस्प्रीन के नाम से अवेलेबल है आप उसको पानी के अंदर दो आपने टेबलेट्स लेके डिसॉल्व करके जब आप वॉश कर चुके हुए हैं तो बस एक दफ़ा वो बालों के ऊपर डाल लें स्कैल्प के ऊपर तो वो भी आपकी डेंडरफ को काफ़ी अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर देगी अच्छा ये वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा और मेरे पास अभी हम बात करेंगे डर्मोटोलॉजिस्ट से हमारे पास आती रहती है बड़ी रहनुमाई करती हैं बहुत गाइड करती हैं हमें आज हमने सोचा क्योंकि स्मोक भी है स्किन बड़ी ख़राब हो रही होती है स्मोक की भी बहुत से ऐसे जो है ना प्रिकॉशंस हैं जो हमें करने पड़ते हैं जो हमारे स्किन से रिलेटेड होते हैं और मुझे लगता है कि ड्राइनेस भी कहीं ना कहीं क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी ब्रेक पे तो कहती थी कि ड्राइनेस का भी इसके साथ सिलसिला है क्या जोड़ है क्या मसला है कि ये स्मोक भी जो है ड्राइनेस पैदा करता है हम बात करेंगे आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अरीज खालिद डॉक्टरोलॉजिस्ट अस्सलामुअलेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी दवे दवे अल्हम्दुलिल्लाह यू लुकिंग वेरी प्रेटी माशाल्लाह थैंक यू सो मच तो ये आप बताई थी ब्रेक पे अभी कि ये जो स्मोग है ये भी कॉज करती है दैट ट्रू यस बिल्कुल बिल्कुल ये आपके देखें स्मोक बेसिकली आपकी जो एयर पोल्यूशन है आपकी वो इस वक्त वो जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा वर्सन कर रही है सबसे ज़्यादा आपकी ज़्यादा स्किन होती है और बाल है ये वो एरियाज़ हैं जो आपके सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं किसी भी हार्श वेदर को चाहे वो गर्मी एकदम से आए चाहे वो सर्दी एकदम से आए या आपके जो आपके एक्सटर्नल इन्वामेंट में किसी किस्म की पोल्यूशन हो वो हो स्मॉग बेसिकली क्लॉगिंग कर रही होती है ड्राइनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है जिन लोगों की डेंड्रफ नहीं भी होती है उनको डेंड्रफ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि आपने बहुत रेगुलरली वॉश करना है रेगुलरली का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से शाम करना शुरू कर दें लेकिन एक दिन से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए अच्छा ठीक है और इस मौसम में आप कोशिश करें कि जो एंटी डेंड्रफ शैम्पूस जो आपको फार्मेसी से मिलते हैं ठीक है आपने जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनसे नहीं लेने आपने फार्मेसीज पे मेडिकेटेड आपने एंटीडेंटल शैम्पूज़ लेने उनका केमिकल ऐसा क्या होता है जो हमें पता हो अगर हम देखें आप पे पे बात ये होती है कि आपने सिर्फ बेसिकली uh, जो मैंने आपको सिंपल बताया बहुत सारे लोग आपके पढ़ नहीं सकते ना ठीक है तो सिंपल तरीका ये, ये है कि आप... भी नहीं, लोगों है, हा, हा, के शीशे उठा के देखते नहीं मगर कितने लोग चाहिए तो उसमें अब बेहतर ये फार्मेसी पे जाके आपने एंटी एंटीडेंड्रव शैम्पू लेना है मेडिकेटेड होना यस बिल्कुल मेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है अगर ऑयल लगाएं तो आप उसको प्लीज पूरी पूरी रात मत छोड़ें कई घंटों तक मत छोड़ें उसका कोई फायदा नहीं है उसका जो फायदा

Yes. तो वो छोटा जो है वो बड़ा अच्छा शैम्पू वैसे भी मुझे लगता है कि हर एक को जो है ना हर महीने इस्तेमाल कर लेना चाहिए उससे ये कि उसमें हेयर फॉल रुकता है इवन आपको अगर नहीं भी इशू है ना का और आप वो इस्तेमाल करते हैं तो इस वक्त जो लेटेस्ट स्टडीज ये शो करती हैं कि जो कीटोकोनाजोल है वो आपके हेयर फॉल को रोकने में भी हेल्प करता है हमारे बाल बड़े ड्राई हो गए लेकिन उसके लिए देखिये बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास हेयर मास्क होते हैं आप कोशिश यस आपने करना क्या है आपने जो जरली आप अपना शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उससे आप पहले अच्छे से सारे बालों कीटाणुओं को और अपनी स्कैल को एक दफ़ा वॉश कर लें ठीक है उसके बाद आपने कोई भी कीटा पेनाजोल का आपने शैम्पू लेके जिसमें कोनाज भी शामिल है वो लगा के आपने रूट्स के ऊपर आपने उसको एक से दो मिनट के लिए छोड़ देना और रूट पे लगाएं सर ठीक उसको लेंस पे मत लगाएं क्योंकि okay. वैसे बहुत थोड़ी क्वांटिटी होती है तो, तो आप बहुत वेस्ट कर देंगे दो मिनट छोड़ने के बाद आप उसको वॉश आउट कर दें ठीक है और फिर बेहतर होता है कि कंडीशनर से बहुत ज्यादा बेहतर ये होता है कि मैं रिकमेंड करती हूँ हेयर मास्क क्योंकि वो आपके बालों की नरिशमेंट में काम आते हैं तो आप इवन उनके स्कैल्पे काम उठा सकते हैं या फिर आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है ठीक है आपके जो कोकोनट ऑयल्स के साथ ये कोकोनट ऑयल के साथ होंगे आर्गन ऑयल के साथ होंगे ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं ऑलिव ऑयल के साथ होंगे वो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में मास्क लगाने की एक छोटी सी ट्रिक जरूर तो आपके साथ ऐड करना चाहूंगी लोग मास्क बिल्कुल घीले सर में जो है ना वो लगाते जब जैसी से सर लेते हैं जब तो जैसे है, करना करना है। 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 लोग कहते हैं वो रिजल्ट नहीं आया वो रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप कहेंगे यार मैंने सारी जिंदगी सर पर बालों पर मास्क लगाया मगर मुझे ये रिजल्ट नहीं आया कंडीशनर का भी यही सीन है इतने घीले गादे बालों में कंडिशनर नहीं लगता उसको भी अगर एक बार आप मास्क का तो है यही तरीका मगर अगर आप कंडीशनर को भी ऐसे करके देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा और जिनके बाल बहुत ही रफ एंड ड्राई ये जो डाई शाय करा के हो जाते हैं वो एक बार पहले कंडीशनर थोड़ा सा पहले लगाएं उसके बाद शैम्पू लगाएं फिर उसके बाद कंडीशनर लगा के, के देखें उसका डाई अच्छी टिप ये है कि जब आपके बालों में ऑयल आया हो यानी कि आपको दो तीन दिन हो गए वॉश किए हुए ठीक है यानी कि नेचुरल ऑयल आपके बालों में मौजूद हो तब डाई करें आपके इतने ज्यादा बाल डैमेज नहीं होंगे वाह 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 दोबारा बता दे अच्छा जी क्या आप, बोला आपने जब आपने डाई करना है ना तो आपके जिस वक्त आपके एक दो दिन हो गए हैं वॉश किए हुए और आपके एक्चुअली अपना ऑयल आ चुका हुआ है आपकी स्कैल्प और बालों में आपको ऑयली फील हो रहे हैं तब आप डाई करें तो आपके बाल ओवर ड्राई नहीं होंगे फ्रेशली होता है क्योंकि होता ही जो आपने फ्रेशली बाल किए होते हैं वॉश तो उनके पोर्स ओपन होते हैं ठीक है तो उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो होके उसके जो रफ केमिकल्स हैं क्योंकि उसके बीच में अमोनिया होता है वो आपके बालों को डैमेज कर देता है अब ये जो अमोनिया फ्री डाए हैं अभी जिसके बारे में बता दें ये आ, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारे बालों में फिर डेंड्रफ से हम बच सकते हैं क्योंकि अमोनिया वाले तो डाए डेंड्रव कॉज करेंगे करेंगे वो हैवी केमिकल्स होते हैं क्या क्या इस बारे में देखिए अब जो अमोनिया फ्री होते हैं वो आपके डैमेज कम करेंगे लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं करेंगे ठीक है तो आपका बेहतर ये होता है कि जिसमें आपका कांटेक्ट टाइम कम हो जिस तरह आप आजकल बिल्कुल लेटेस्टली आपके पास अगर आप एक सिंगल शेड में जाते हैं तो जो डाई वाले शैम्पू हैं देर आर बेटर ऑप्शन ठीक है क्योंकि आपका उसमें इंटरेक्शन टाइम बहुत कम जो हो जाता है। अमोनिया फ्री है यस, yes, जो अमोनिया फ्री है आ, बाकी उसके अंदर एक और बड़ी अच्छी टिप ये कि अगर फर्ज करें आपकी डेंड है और आपके पास अब शैम्पू भी नहीं है आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है तो आ, एस्प्रीन बहुत कॉमनली डस्टब्रीन के नाम से अवेलेबल है आप उसको पानी के अंदर दो आपने टेबलेट्स लेके डिसॉल्व करके जब आप वॉश कर चुके हुए हैं तो बस एक दफ़ा वो बालों के ऊपर डाल लें स्कैल्प के ऊपर तो वो भी आपकी डंड्रव को काफ़ी अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर देगी अच्छा यस अरे अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी कहा करती थी कि जब नहाना है अगर सर नहीं धोना शावर कैप वगैरह इस्तेमाल करते और जब सर धोना है तो पहले एक घंटा पहले या दो घंटा पहले अच्छी मसाज ऑयलिंग चम्पी करा के दो घंटा तेल रख के उसके बाद शैम्पू करना अम्मी कभी नहीं करने देती थी मतलब अम्मी शैम्पू नहीं लगाने देती हाँ। अम्मी कहती थी पहले तेल लगाया है दो घंटा तेल रखोगे सर पे तो फिर उसके बाद शैंपू, शैंपू अब जो सारी सारी रात आप रखते हैं तो क्या होगा क्या, वो उस पे वो हो स्टिकी होगी ना सर्फेस अब स्टिकी सर्फेस पे जो भी आपकी पोल्यूशन आ रही है जो भी आपका सारे इर्द गिर्द हवा के अंदर है वो भी आपने क्लॉक कर दिए पकड़ के आपने बंद कर दी अपनी स्कैल्प आपने अपनी स्किन का भी बेड़ा गर्क कर लिया तो इसलिए बहुत ओवरली किसी भी चीज़ को करना कभी भी अच्छा नहीं होता है तो ऑयल का दो घंटे से ऊपर कोई मकसद नहीं है और बेस्ट तरीका होता है कि जब आपको पता है कि मैंने आज वॉश करने हैं तो उससे दो घंटा पहले आप लगाएं और बहुत अच्छे तरीके से लगाएं। और ये जो सर्दियों के तेल हैं ये कौन से तेल हैं जो इस्तेमाल करें तो जिससे हमें ड्राइनेस कॉस नहीं होगी कुछ तेल भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ड्राइनेस जो है ना वो होती है हाँ तो आप प्लीज सर्दियों वाले तेल भी बता दें जो जब कर, चम्पी अच्छा, करनी अ, है अक्सर लोग कहते हैं कि उयल, really good, लेकिन वो हैवी है, तो उसको निकालना शामिल करने आर्गन भी बड़ा यस अच्छा अब उसमें सबसे अच्छा जो ऑयल आता है वो कोकोनट ऑयल है क्योंकि वो लाइट वेट है ठीक है कोकोनट ऑयल के अंदर अब आप जो शामिल कर सकते हैं वो आप अनियन ऑयल कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है सर्दियों में यस yes, बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद आप बहुत थोड़े से अच्छा फ्यू ड्रॉप्स आप डालेंगे कैस्ट्रो ऑयल के इसके अलावा फ्यू ड्रॉप्स आप डालेंगे आर्गन ऑयल के और साथ एलमंड ऑयल इनको थोड़ा सा गर्म करना है सोता करना है पहले नीम गरम साफ कर लें तो क्यों वो क्यों बहुत हाँ, अच्छा कैस्टर ऑयल को yes. हल्का सा नीम गर्म सोता हाँ, करने से फिर वो उनकी मिक्सचर उनका मिक्सचर एक अच्छा हो जाता है ठीक है और ये आप दो घंटे लगा लें दैट इज मोर देन इनफ ठीक है और वो जो आपने शैम्पू बताए थे जो मेडिकेटेड हैं डेंड्रफ वाले वो हफ्ते में हम कितने दिन इस्तेमाल दो सकते दो दफ़ा बहुत काफ़ी होते हैं दो दफ़ा बहुत काफ़ी होते हैं और एक चीज़ ये होती है कि देखिए करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप डेंड्रफ को हेयर फॉल आपका रोक ही नहीं सकता अगर आपको डेंड्रफ है हम उन लोगों में जिन लोगों में डेंड्रफ होती है उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करते क्योंकि उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं रुकेगा अगर आपको डेंड्रफ है तो आप भूल जाएंगे आपके सर पे बाल रहेंगे मुमकिन ही नहीं है इसलिए जब तक आप डेंड्रफ को ट्रीट नहीं करेंगे आप तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके बाकी बालों का शर्मिंदगी भी, भी बहुत होती हाँ, है और आगे फिर ये होता है कि फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको एग्रेसिवली ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है आप मेरे साथ ही मैं आपके साथ कुछ सोशल मीडिया के लिए भी जो है ना अलग से कुछ टिप्स जो है वो रिकॉर्ड करना चाहूंगी बट अभी हमारा टाइम यहाँ पे खत्म हो गया थैंक यू सो मच आपसे कल मुलाकात करूंगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और स्मोक में कोई भार नहीं जाएगा फिर बता दें बहुत जरूरी है तो